ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक माता का सुखद सा अनुभव सुन लो। मैं कई जगह सुना चुका हूँ, माताएं बहुत बैठी हैं। अभी मिली वो माता हमें, यहीं पास के ही आपके एक सेंटर में रहती है। तो ज्ञान सरोवर में मैं एक क्लास कराया, मुरली चली थी समर्पण भाव पे, मैंने उस पर क्लास कराया। क्लास के बाद उसने कहा मुझे एक अनुभव सुनाना है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा 3 मिनट में ही सुना दो, क्योंकि क्लास पूरी हो गई थी, सब उठने लगे थे। उसने बताया मेरी लड़की की शादी थी, मेरे पास थे केवल 13,000 रुपये। 13,000 तो आजकल नथिंग। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा अब लड़की तो आपकी है, ज्ञान में नहीं है तो शादी करनी है उसकी। मैं अपना पर्स लेकर बाबा के रूम में पहुंच गई और पर्स खोल के रख दिया और बाबा को कहा, बाबा इसमें आप बैठ जाओ। कोई दिल में बैठाता है बाबा को, उसने बैठाया पर्स में। सब हंसने लगे उसकी ये बात सुन के, जैसे आप थोड़ा बोलने में अच्छी है, कोर शादी कराती है, ज्ञान देती है। अभी आए थे हम उनके सेंटर में मिले, तो कहा बस मैं तो योग लगा के बाबा से ये बातें करके और चली गई। 8-10 दिन में ही शादी थी। कहा 20 लोग ऐसे आए, शादियों में आते हैं, लिफाफे दिए, हमारे पास इकट्ठे हो गए, आप अंदाज नहीं लगा सकते, 13,00,000। अभी मैंने पूछा, मैं तो उसे भूल गया था कि यही है वो। उन्होंने कहा आप मुझे पहचान नहीं रहे। मैंने कहा ना भाई, मैं तो भुलक्कड़ हूँ। कहा नहीं, मैं वही हूँ जिसने क्लास में अनुभव सुनाया था, बैग खोल के बाबा के आगे रखा था कि इसमें बैठ जाओ, मैं ही हूँ वो। देखो कितना अच्छा अनुभव रहा। मैं करती तो दुखी रहती, 13,000 हैं क्या करूं, दुखी रहती या नहीं? और बाबा बाबा किया तो पर्स इतना भर गया कि उसमें समाने की भी जगह नहीं रही। तो क्या करेंगे सभी हैं? हाँ, मतलब पड़ेगा तब करेंगे या सदा ही? अब बाबा को पर्स में बैठाएंगे या दिल में? ठीक है, बैठा लिया, अब निकलने ना देना। ऐसा बंद करो कि निकल ना पाए दिल से, तो ये जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा।